दोस्तों Hyundai Verna का नया जनरेशन लॉन्च हो चुका है और इसकी वीडियो आपने देख ली होगी शायद, जो है SX और SX ऑप्शन वेरिएंट की, दोनों की आपको चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक देखने को मिल जाएगा दोनों वीडियो का, नहीं देखिए तो जाके देख लें। ज्यादातर वेरिएंट यही अभी आपको देखने को मिल रहे हैं डीलरशिप पे। और यहां एक कमेंट आ रहा था SX की जो है Verna की जो हमने वीडियो बनाई थी उसके जो है कमेंट सेक्शन में कि SX और SX ऑप्शन में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से फीचर्स का, कितने जो है शोरूम प्राइसिंग का जो है डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो तो बनती बनती है आपकी जो है डिमांड पे, तो फटाफट से आज उसी पे फोकस करेंगे कौन कौन से जो है फीचर्स SX ऑप्शन में ज्यादा हैं, क्या प्राइस आपको जो है SX के कंपैरिजन में SX ऑप्शन के लिए ज्यादा देना पड़ रहा है। तो फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, देखो दो इंजन ऑप्शन यहां पर Verna में है, एक जो है नॉन टर्बो इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, पेट्रोल ही है Verna जो है अब डीजल में आनी रही है। तो नॉन टर्बो की जो है SX की एक्सशोरूम जो रहती है मैनुअल ट्रांसमिशन में 12,98,500 और SX ऑप्शन की मैनुअल में रहती है 14,65,900। तो डिफरेंस निकल के आता है कुल यहां पर लगभग एक्सशोरूम प्राइसिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये 1,68,000 रुपए का, 1,68,000 रुपए महंगी है SX से SX ऑप्शनल नॉर्मल जो यहाँ पर जो है पेट्रोल इंजन में। वहीं अगर मैं जो है टर्बो की बात करता हूँ, टर्बो भी आता है इसमें जो है 1.5 लीटर का, जो कि सेगमेंट बहुत अच्छी खासी 160 PS की पावर दे रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी है Volkswagen की वर्चुस या विस्लाविया से अगर कंपेयर करते हैं उससे भी ज़्यादा पावर मिल रही है। तो इसमें भी SX की जो है इसकी एक्सशोरूम रहती है टर्बो Verna की वो जो है मैनुअल में 14,83,500 और SX ऑप्शनल की रहती है 15,98,900। तो यहाँ डिफरेंस निकल के आता है 1,15,000 से 16,000 रुपये का। तो अब आपको डिफरेंस का पता लग गया, लगभग 1,00,000 से ऊपर का ही डिफरेंस है, 1,00,000 से 1.5 लाख का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये भी लगभग जो है ऑन रोड प्राइस पे भी ये इतने का ही देखने को मिलेगा। तो अब फटाफट से जो है यहाँ पर जो है डिफरेंस की बात करते हैं, कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिजाइन डायमेंशन की बात करूँ, Verna देखने में काफ़ी इस बार जो है फ्यूचरिस्टिक और साथ ही साथ जो है कह सकते हैं ना एकदम शार्प एजी वाला जो है इसका डिज़ाइन बनाया गया है। लेंथ काफ़ी अच्छी जो है 4535 mm की है, व्हील वेज 2670 mm का दिया गया जो कि इंटीरियर को काफ़ी स्पेसियस बना दे रहा है। फ्रंट लुक अगर आप बात करते हैं SX ऑप्शन का कोई भी डिफरेंस नहीं है, फ्रंट पार्किंग सेंसर दोनों में दिए गए हैं, दोनों में आपको जो है LED हेडलैम्प दे दी जाती हैं, LED जो यहाँ पे DRL स्ट्रिप में काफ़ी बड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रंट लुक में कोई डिफरेंस नहीं है, साइड प्रोफाइल की ओर जाते हैं तो साइड प्रोफाइल में भी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो है अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन वैसे का वैसी है, पैटर्न आपको जो है डोल टोन मशीन कट आपको वही मिल रहे हैं यहाँ पर, और दोनों में ही फ्रंट में डिस्क रहती है, रियर में ड्रम यहाँ रहेंगी और चारों डिस्क वो इसके जो है SX ऑप्शनल DCT जो है यहाँ पर जो टर्बो इंजन आता है उस वाले वेरियंट में आपको मिलेंगे चारों डिस्क जो है चारों टायरों में। तो ये साइड से भी कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे SX और SX ऑप्शनल में। अब यहाँ पे रियर सेक्शन की ओर आते हैं तो रियर में डिफॉगर दोनों में रहेंगे, रियर और LED जो यहाँ पे टेल लैंप कनेक्टेड टाइप दोनों में आपको मिलती हैं। लेकिन जो बूट स्पेस की ओर जैसे ही आप आएंगे 528 लीटर का बूट स्पेस दोनों में तो रहता है, लेकिन जो यहाँ पर जो बोस के स्पीकर है ना, बोस का जो 8 स्पीकर का जो सिस्टम है पूरा, वो जो है SX ऑप्शन में मिलता है। तो उसका जो है एक स्पीकर आपका जो है सबवूफर टाइप का वो आपको जो है रियर बूट में लगा हुआ देखने को मिलेगा SX ऑप्शन जो है वेरिएंट में। तो एक ये डिफरेंस निकल के आता है, तो एक ये आपको पता लग गया। अब ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको जो कंपैरिजन है वो ज़्यादा आपको जो है इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं फटाफट से जो है इंटीरियर सेक्शन की ओर। सबसे पहले यहाँ पर ड्राइवर अगर सीट की बात करता हूँ मैं, चारों पावर विंडो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBMs तो ये सारे कुछ तो मिलेंगे, लेकिन जो ड्राइवर सीट है ये जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट ये SX ऑप्शन में मिलती है, जो कि SX में मैन्युअली आपको जो है यहाँ पर इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक ये निकलता है और इसके बाद जो है नेक्स्ट डिफरेंस क्या है सीटों का, सीट में जो लेदरेट फिनिश है, लेदर अपोल्स्ट्री वो SX ऑप्शन में मिलती है, और ये जो है ड्राइवर साइड डोर है पैनल वो भी सॉफ्ट टच में SX ऑप्शन में मिलेंगे। SX में आपको जो है यहाँ पर फैब्रिक में सीटें मिलती हैं, इसमें सीट कवर लगवाने पड़ेंगे और जो साइड में जो पैनल्स हैं ये हार्ड प्लास्टिक में ही यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आपको पता लग गया होगा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेंटर कंसोल, यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ये सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो है जो TFT जो है यहाँ पर मीटर कंसोल है वो तो मिल ही रहा है सेम टू सेम जो है SX ऑप्शन वाला, लेकिन जो यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको जो है यहाँ पे 10.25 इंच का सिर्फ SX ऑप्शन में दिया गया है, SX में आपको 8 इंच का यहाँ पर दे दिया जाता है। साथ ही साथ जो है इसके अंदर जो ब्लू लिंक है, ब्लू लिंक कनेक्टेड कार फीचर वाली टेक्नोलॉजी वो भी जो है यहाँ पर नहीं मिलती है SX में, SX ऑप्शन में मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ। और जैसा कि बोस का प्रीमियम साउंड जो है 8 स्पीकर का सिस्टम वो भी इसमें नहीं मिलता है SX में, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड एयर प्यूरीफायर वो SX ऑप्शन में रहेगा वो भी जो है SX में, ये चीज़ जो है यहाँ पर नहीं दी जाती है। और यहाँ जो ड्राइवर और को ड्राइवर वाली जो सीट है ना SX ऑप्शन में वो रहती है वेंटिलेटेड और जो है हीटेड फंक्शन के साथ में, जो कि आप सेंटर कंसोल से यहाँ से जो है एडजस्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। तो ये फीचर्स भी जो है SX ऑप्शन में रहेगा, साथ ही साथ जो है ऊपर आपको जो ऑटो डिमिंग IRVM में दोनों मिल रहा है, लेकिन जो है SOS के जो है यहाँ पे स्विच के साथ में वो SX ऑप्शन में आपका जो है देखने को मिलेगा IRVM। तो ये कुछ फीचर्स आपको पता लग गए होंगे मेजर जो कि डिफरेंस का आपको पता लग गया। बाकी ऑटोमेटिक AC दोनों में है, वायरलेस चार्जर दोनों में मिल जा रहा है आपको। और साथ ही साथ रियर सेक्शन की ओर आते हैं तो रियर में जो है आपको सेंटर कंसोल में जो है रियर AC वेंट मिल जाता है, दोनों में ही मिलेगा। लेकिन जो रियर जो कर्टेन है ना वो जो है मैनुअली वाले वो सिर्फ SX ऑप्शन में ही दिए जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपको जो है SX और SX ऑप्शन के बारे में जो फीचर्स के जो है यहाँ पे डिफरेंस के बारे में वो आपको जो है पता लग गया होगा। और बात करें यहाँ पे एडास के फीचर्स की, तो एडास के फीचर्स तो SX में नहीं आएंगे, SX ऑप्शन में आएंगे। ऑप्शनल में जो है यहाँ पर आपके जो है ऑटोमेटिक ऑप्शन में ही रहेंगे, चाहे अगर आप जो है टर्बो में लेते हैं तो DCT वाले में SX ऑप्शन में मिलेगा आपको जो है एडास, और जो है SX ऑप्शन में नॉर्मल वाले इंजन में IVT जो है ऑटोमेटिक वाले इंजन में वहाँ एडास दिया गया है। तो एक ये भी डिफरेंस है कि एडास के फीचर्स SX में ना देके SX ऑप्शन ऑटोमेटिक जो है ट्रांसमिशन में दिए गए हैं। तो यही थी आज की वीडियो, होप आपको जो है सारा कुछ आपको पता लग गया होगा। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।